हेटर टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर कई बार अहम टिप्पणियां कर चुका है। बुधवार को अदालत ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान रिजर्वेशन पर राज्यों को एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 50% से ज्यादा आरक्षण को उचित नहीं बताते हुए राज्यों को उनकी सीमाओं की भी याद दिला दी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक दशक से मांग हो रही थी। 2018 में इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दे दिया। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स किया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए 3 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि इस मामले में बड़ी बेंच बनाए जाने की आवश्यकता है। बेंच ने अहम टिप्पणी में कहा, एक समुदाय का सामाजिक, शैक्षिकी और आर्थिक पिछड़ापन और उनका सार्वजनिक सेवाओं में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलना और समुदाय को आरक्षण के लाभ को कम करना ऐसी असाधारण स्थितियां नहीं है जिसके लिए आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा किया जाए। बेंच ने आगे कहा कि मराठी समुदाय राज्य की कुल आबादी का 30% है, इसलिए उसकी स्थिति की तुलना महाराष्ट्र में समाज के कमजोर तबके से नहीं की जा सकती है। 2020-21 से ही मराठा कोटा लागू नहीं किया जाएगा।